पिछले नगर निकाय चुनाव में पूरे नगर निगम जो थे मध्य प्रदेश के, वो भाजपा के हाथ में थे, लेकिन इस बार कमलनाथ जी के मेहनत के कारण देखने को मिला है कि 5 नगर निगम में कांग्रेस को जीत मिली है। उसमें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों महापौर कांग्रेस के, महाकौशल संभाग में दोनों महापौर कांग्रेस के, विंध के मुख्यालय पर रीवा में महापौर कांग्रेस का, और हम मानते हैं कि उज्जैन में भी, भगवान महाकाल की नगरी में भी कांग्रेस की जीत हुई। वो तो अफसोस की बात है कि भाजपा के शासन ने उसमें गड़बड़ी की, जिसके कारण महेश परमार जी नहीं जीत पाए। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि महेश परमार जी चुनाव जीत के आए थे, हम इस मामले को कोर्ट में भी ले जाएंगे। बुरहानपुर में भी लगभग जीत कांग्रेस की थी, वहाँ पर भी हेराफेरी हुई है। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी जीत पहली बार शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को मिली है, और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कमलनाथ जी लगातार जनता के बीच रहे, और आज भी जो जनता मध्य प्रदेश की है वो कमलनाथ जी के 15 महीने याद कर रही है। हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे, और हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में जो जनता मध्य प्रदेश की है वो भाजपा के धन बल को हराएगी और कांग्रेस की जन बल को विजय मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।